फॉरनर्स ऑफिशियल एनी ऑफिशियल टू इंजर वाइदर फॉरन बॉडी टू बी उसको इमेज करने के लिए भी वी विल मेनली इमेज अ फॉरन बॉडीज ओके एंड मेनली दिस आर कॉमन थिंग्स वेयर चिल्ड्रन विल स्वैलो दिस थिंग्स हेयर पिंस ये कभी फिश बोन ये पिंस और ये कॉइंस और एनी खेलने का टॉयस वो सब भी ओके बैटरीज बटन्स so mainly children will swallow 80% of the foreign bodies and problems occur when the batteries are swallowed mercury in the batteries may seep out mercury bahar leak ho gaya to batteries mein it is a very dangerous thing it may cause death also okay and magnetic toys can obstruct the bubble which they stick together other it block the obstruction possible and okay different areas tab hota hai GI tract mein this is called coils we are seeing in the intestine ye almost periphery mein hai na this is in the large intestine Here you can see the foreign body at the finger, index finger के पास, एक छोटा pin. And this foreign body, ये क्या है ये? Pacemaker. Okay? So this is a foreign body. This is a foreign body. It is blocking the left main bronchus. और उसका नीचे just bronchus इसमें block हो रहा है. Foreign body से throat and GI throat में block हो सकता है, esophagus में block हो सकता है. And it might be minor. माइल्ड सिम्टम्स एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है जस्ट सलेवा कुछ स्वैलोइंग में डिफिकल्ट होता है जस्ट बेसिक मिनिमम फाइंडिंग्स रहते हैं कभी कभी सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है स्टमक स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन में इट मे कॉज ब्लोटिंग क्रैम्प्स वॉमिटिंग फीवर इफ शार्प ऑब्जेक्ट इफ इट इज पियर्सिंग द एनी पार्ट ऑफ द स्टमक यू मेट हैव सीवियर पेन फेंटिंग फीवर एंड शॉक ऑल्सो एंड क्रॉनिक फॉरन बॉडीज बहुत दिन से कुछ फॉरन बॉडीज सर्जरी होने के बाद ऐसा कुछ गॉस पैड ऐसा छोड़ देते ना उसको भी कॉल किया गॉसिपी बायोमा वो लॉन्ग स्टैंडिंग है वो इन्फेक्शन होके वो भी एक मास्क ऐसा फॉर्म में आता पस और एब्सेस फॉर्म हो सकता ऑब्जेक्ट लार्जर देन 2 सेंटीमीटर्स आर लेस लाइकली टू पास द पाइलोरस एंड ऑब्जेक्ट लॉन्गर देन 6 सेंटीमीटर्स में एंटर इन आइदर द पाइलोरस और ड्यूओडेनम ऐसा स्टमक के बाद पाइलोरस आएगा एंडिंग ऑफ द स्टमक उसके बाद ड्यूओडेनम सो मोर देन 2 सेंटीमीटर्स वहाँ तो वो क्रॉस नहीं होता वो जंक्शन सो एंडोस्कोपी से वी विल रिमूव इट ओके एंड एयरवे में नॉर्मली रिफ्लेक्स फिनोमेना रहता है एनी फॉरेन बॉडी विच एंटर्स अवर एयरवे ट्रैक विल गेट टू कॉफ एंड वी विल एक्सपेल इट आउट ओके यूजुअली इफ इट इज ट्रैप्ड इन द लंग इट रिक्वायर्स ब्रोंकोस्कोपी वो बाहर नहीं आता ब्रोंकोस्कोपी से वी हैव टू रिमूव इट मोस्टली फॉरेन बॉडीज आर ऑर्गेनिक मोस्ट कॉमनली सीड्स एंड नट्स एस्पिरेटेड फॉरेन बॉडीज हैव द प्रेडोमिनेंस फॉर द राइट ट्रैक ऑफ ब्रोंकस क्यों राइट में ज्यादा जाता मोस्टली क्यों दो ब्रोंकस रहते हैं राइट एंड लेफ्ट राइट में क्यों फॉरन बॉडीज ज्यादा ब्लॉक होते हैं ओके बिकॉज राइट ब्रोंकस इज मोर वर्टिकल लेफ्ट इज मोर ऑब्लिक सो डायरेक्टली ट्रैकिया में से राइट में जाने का चांसेस रहता है कॉमन ऑब्स्ट्रक्शन लीड्स टू द पेरिफेरल कोलैप्स कहाँ कौन सा लंग ब्रोंकस में ब्लॉक होता है वो लंग पूरा कोलैप्स होने का चांस रहता है एंड फॉरन बॉडीज इन सॉफ्ट टिश्यूज एनी फॉरन बॉडीज इन सॉफ्ट टिश्यूज ट्रॉमा है ये वुड पार्टिकल्स मेटल पार्टिकल्स ग्लास पार्टिकल्स कुछ भी ये सॉफ्ट टिश्यूज में हो सकता है ओके अदर्स इज कॉल्ड ये दिस यू कैन सी द कुछ फॉरेन बॉडी इधर चेस्ट में इधर लगा देते चेस्ट में सॉफ्ट टिश्यूज में वो एक एंड दिस इज व्हाट इज दिस फॉरेन बॉडी दिस इज अ कॉपर टी फीमेल में दिस इज अ नॉर्मल ये अब नॉर्मल नहीं है यूट्रस में कॉपर टी लगाते प्रेगनेंसी में आने के लिए दिस इज अ मेनली दिस इज अ यूरिनरी ब्लैडर कैथेटर है ये कॉन्ट्रास्ट MCUG है सो रेडलर द प्रेजेंस ऑफ मेडिकल डिवाइस और इम्प्लांट और मेटालिक फॉरेन बॉडीज एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी वो वी हैव टू आस्क अबाउट द पेशेंट कुछ मेडिकल डिवाइस है कुछ ओके प्लेन रेडियोग्राफी से इनिशियल स्क्रीनिंग मॉडलिटी मेटल्स एंड ग्लास फॉरेन बॉडीज आर डिटेक्टेबल बट मेनी फॉरेन बॉडीज इंक्लूडिंग वुड और लेस डेंस मटेरियल्स दे आर नॉट डिटेक्टेबल इन एक्सरे ओनली हाई मटेरियल्स के हम लोग दिखते हैं अल्ट्रासाउंड से नेक्स्ट मॉडलिटी हम लोग सुपरफिशियल टिश्यूज में एक्सरे से कभी नहीं दिखता है सो वी हैव टू एडवाइज अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासाउंड में डायरेक्टली ऑन द सॉफ्ट टिश्यू लाके वी कैन सी एंड डीपर स्ट्रक्चर से डिफिकल्टी है बोलते वी हैव टू एडवाइज सीटी फॉर द डीपर फॉरेन बॉडीज विच आर नॉट सीन द रेडियोग्राफ्स द पेशेंट शुड अंडरगो एंडोस्कोपी फॉर द डेफिनेट डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट जीआई ट्रैक्ट में ब्लॉक हुआ तो एंडोस्कोपी से निकालना पड़ता है ओके एक छोटे बच्चे में वी आर सीइंग द स्मॉल फॉरेन बॉडी इन द लेफ्ट नेजल कैविटी Okay, and this is another patient where there is a foreign body within the left main bronchus, some nail, highly radiodense metallic nail. Okay, CT foreign bodies for airway.
यू कैन सी एक्सरे में कुछ भी नहीं है. सो वी आर देयर इज वी आर सस्पेक्टेड समथिंग इज ब्लॉकिंग द एयरवे ट्रैक एंड बेबी हैज सम ऑब्स्ट्रक्शन फीचर्स. सो वी हैव टू गो फॉर सीटी. सीटी में इज रेडियो नॉट रेडियो डेंसिटी स्ट्रक्चर, देयर इज सॉफ्ट टिश्यू डेंसिटी स्ट्रक्चर व्हिच इज ब्लॉकिंग द राइट मेन रॉड. And this is a foreign body in the right lower abdomen, or it might be superficial point bhi ho sakta, you are not sure. So we need to see that. Ye ek lock hai, lock bhi ye pocket mein laga lete na, wo bhi ho sakta. So we need to differentiate whether it is superficial or inside. Okay, this is a foreign body, lateral view mein andar hai. Okay, this is also a foreign body which is piercing near the soft tissues of the bone. इसमें छोटा नेल, स्मॉल नेल विच इज सीन इन द लेटरल टू द फीमर बोन. ये अल्ट्रासाउंड में ऐसा दिखता है. एंड दिस माइट बी ओवरलैपिंग, इनसाइड भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है. ये आपको टेक अ लेटरल एक्सरे. सो दिस इज अ यूजुअली फॉरेन बॉडी. फिश बोन हो सकता है, चिकन बोन हो सकता है. मोस्ट कॉमनली दे ऑब्स्ट्रक्ट एट द एयरवे एंड ये पियर्स होकर सॉफ्ट टिश्यूज को इंजर किया तो you will have a swelling, pre-vertebral soft tissue swelling, abscess be also found. It is an also emergency case. Okay, any foreign body is most common in children and it could be in any place of the body. X-ray is the initial screening method and use ultrasound or screening, CT as screening modality. The patient should undergo endoscopy if it is in the airway. Okay.